हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का थर्ड लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द नेम ऑफ द लेसन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो यहाँ पर एक बर्ड दिखाई दिया है, हाँ, इसमें बर्ड जो है इसका नाम है बस्टर्ड। इसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में, इसे मराठी में मालढोक ऐसे भी कहा जाता है और हिंदी में इसे सारंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैं मराठी और हिंदी दोनों के नाम लिख रही हूँ, मालढोक मराठी में है और सारंग हिंदी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी मीन्स व्हाट, मतलब ये जो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है तो ये खुद अपने बारे में यहाँ पर हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने खुद के बारे में बता रहा है। तो हम इसीलिए जो खुद के बारे में हम स्टोरीज लिखते हैं, या आपने देखा होगा बहुत सारे जो ग्रेट इंडियंस हैं उन्होंने अपनी खुद की कहानी लिखी हुई है, अपने लाइफ के बारे में लिखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये भी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है। सो हियर वी विल स्टार्ट लेसन नाउ। और बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। विच इज द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स नेम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नो एज द इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। तो वो क्या कह रहा है कि उसके कितने नेम्स हैं, मोर देन, यहाँ पर देखो मोर देन 30 नेम्स है इंडियन लैंग्वेज में, मतलब इंडियन के जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे मराठी और हिंदी का बताया है, ऐसे ही दूसरे गुजराती, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है, सब लैंग्वेजेस में इसका अलग अलग नेम है। देन इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम। हुम मतलब वो एक खुद ना अपने आप में एक साउंड बनाता है, जैसे वो मुंह से हम कहते हैं ना हम ऐसे करते हैं, तो इसी तरह से ये बर्ड भी एक साउंड निकालता है, वो कैसे है, हुम ऐसे है, इसीलिए इसका नाम हुम भी दिया हुआ है। आई कैन वेट अप टू 18 किलोज। कितने किलो का होता है ये, अप टू 18 किलोज। एंड कैन स्टैंड अप टू 4 feet इन हाइट। तो इसका हाइट कितना है, अप टू 4 feet, 4 foot के इतना इसका हाइट है। देन रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और योर इवन हायर। तो मतलब अगर आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपके शोल्डर तक या उससे भी ये हाइट तक जाएगा, इतना इसका हाइट ज़्यादा है। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक। तो इसका नेक कैसा है, देखो यहाँ पर दिया है लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, इसके विंग्स कैसे है, ब्राउन विंग्स है, टॉल येल्लो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। उसके हेड के ऊपर एक यहाँ पर ब्लैक कलर का कैप टाइप है दिया हुआ। तो ये कैसे इसका स्ट्रक्चर है, दिखने में कैसा है, उसने अपने आप का जो पूरा वर्णन बताया हुआ है, अपने आप को उसने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया है, बताया है कि ये कैसे दिखाई देता है। माई वाइफ मिसेज बस्टर इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम। तो इसकी जो वाइफ है, मतलब जो फीमेल बस्टर्ड है, वो कैसी है, ये उससे स्मॉलर है और स्लिम है, मतलब पतली है। हर नेक इज नॉट वाइट, और उसका नेक वाइट कलर का नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने सुना हुआ है कि ह्यूमन हमें क्या कहते हैं कि हम दोनों कैसे लगते हैं, इम्प्रेसिव, मतलब हम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, मतलब दूसरों को अच्छे लगने वाले ऐसे हैं बर्ड्स हैं। आई लिव ऑन ग्रास लैंड एंड डेजर्ट्स अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ, ग्रास लैंड, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी ग्रास होती है, एंड ऑल्सो इन डेजर्ट। और किसके साथ रहता है, अलॉन्ग विथ, मतलब उसके फ्रेंड्स के साथ में, उनका नाम दिया है चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज।
एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट। तो ये कह रहा है कि मैं क्या खाता हूँ, ये स्नेक को खा सकता है, लिजर्ड को खाता है और वो स्मॉल फ्रूट्स खाता है, वैसे ही जो बेरीज है, छोटे छोटे से बेरीज आते हैं वो भी खाता है, और अल्सो ही कैन ईट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, मतलब वो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को भी खा लेता है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं उसे भी वो खा लेता है। तो देखो ये तो बहुत दिखने में इतना सुंदर है, लेकिन वो क्या क्या खा रहा है, एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। और वो कह रहा है वो मेरी बहुत ही हेल्दी हैबिट है, अच्छी हैबिट है, बट द ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम। तो उसके फेवरेट क्या है खाने में, उसको फेवरेट है ग्रास हॉपर और बीटल, देखो क्या क्या खा सकता है। तो आपका फेवरेट क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। When it started raining, we all gathered at our favorite grassland, where there are no people to disturb us. So what he saying? कि जब ये बारिश होना स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सब साथ में आते हैं और अपनी जो फेवरेट जगह है ग्रासलैंड, वहां पर हम सब एक साथ आ जाते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी पीपल मतलब इंसान डिस्टर्ब करने नहीं आ सकता है। I perform a wonderful dance by gulping air in the spherical feathery pouch attached below my neck. तो उसके जो नेक है उसके नीचे क्या है, देखो यहाँ पर दिखाया है, ऊपर के इसमें नेक पतला है, यहाँ पर बहुत ही मोटा दिखाया है, मतलब वो क्या कर रहा है, जो हवा है अपने अंदर गल्प करना, मतलब जैसे हम मुंह में कुछ डालते हैं और उसे सीधा क्या करते हैं, पेट के अंदर ले लेते हैं, मतलब गल्प करते हैं बिना चबाए, वैसे ही ये एयर को क्या कर रहा है, हवा को अपने अंदर गल्प कर रहा है, और बिलो द नेक, नेक के नीचे वो अपने एयर को गल्प कर रहा है। दिस पाउच हेल्प मी टू प्रोड्यूस अ रिजोनेशन साउंड। तो रिजोनेशन साउंड कैसे है, सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द काउ। तो काउ कैसे करता है, ऐसे ही मैं भी एक साउंड निकालता हूँ। I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail. और वो क्या करता है, अपने जो फेदर्स है उसे पफ करके, उसे फुलाकर और वो कॉक की तरह अपना टेल ऊपर करके क्या कर रहा है, डांस करता है, मतलब वो पूरी बरसात जो हो रही है उसमें वो एंजॉय कर रहा है। देन यू नो दैट We birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother, this is what GIB मतलब जो दिया है Great Indian Bustard lays just one egg directly on the ground. तो वो यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि जो मदर बर्ड है, मदर बस्टर्ड है, वो क्या करती है, अंडा देती है और वो भी नेस्ट नहीं बनाते हैं, वो क्या करती है, डायरेक्टली शी ले एग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही अपना अंडा देती है। एंड वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हम जो नेस्ट बनाना है, नेस्ट बनाते हैं उस पर बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने अंडे को जो शिकारी है, प्रेडेटर्स है, उनसे हम खुद बचाते हैं। कैसे दिया है, द एग्स लुक लाइक अ स्टोन, उसके अंडे कैसे दिखते हैं, पत्थर के जैसे दिखते हैं। एंड मॉनिटर लिजर्ड फॉक्सेस डॉग्स पिग्स स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माय एग एंड चिक्स। तो जो ये नेम्स दिए हैं, लिजर्ड फॉक्स, ये सब कौन है, इसके एग के और उसमें एग से निकलने वाला जो बच्चा है मतलब चीक है उसके, वो कौन है, एनिमीज है मतलब दुश्मन है, मतलब वो क्या करते हैं, उसे हार्म करते हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम बाय द टाइम आवर यंग वंस हैचेस आउट ऑफ द एग रेन अराइव। तो क्या कर रहा है, कहता है कि लेकिन ये सबसे कौन, जो ये एनिमीज है इन सबसे उनके अंडे को कौन बचाता है, जो उसकी वाइफ है मतलब जो मदर है वो क्या करती है, अपने अंडे को बचाती है जब तक वो बाहर निकलता नहीं है, अंडे से बाहर नहीं निकलता है। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड स्वार्मिंग्स विद इंसेक्ट।
तो अभी जब बारिश आती है तो जब अंडे से बाहर निकलता है बच्चा तो वो कौन सा टाइम है, बारिश का टाइम है। और इस वजह से देखो सब जगह पर हरी हरी घास होती है, ग्रास बहुत ही ज्यादा आता है और इंसेक्ट्स भी ग्रास के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट है। मतलब क्या दिया है, स्वर्मिंग विथ इंसेक्ट, इंसेक्ट से वो पूरा ग्रास भरा हुआ है। मतलब देखो उनको खाने के लिए जो छोटे से चिक्स बाहर निकले हैं उनको खाने के लिए फूड भी मिल रहा है, फ्रेश फूड्स फॉर माय फैमिली। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है कि उसके फैमिली को अब अच्छा फूड मिल रहा है। कौन सा फूड है वो, इंसेक्ट का। यंग वन ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर। अभी आपको पता है जब अंडे में से बच्चा निकलता है या चिक निकलता है किसी भी दूसरे बर्ड का, नेस्ट में जब बर्ड होता है तो वो क्या होते हैं, वो तुरंत ही थोड़े दिनों में मतलब एक महीने के अंदर ही वो फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। और वो अपने मदर को छोड़कर मतलब वो जिस नेस्ट में से वो बड़े हो जाते हैं तो वह अपने मदर को छोड़कर वो आसमान में उड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर वो अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग जगह पे जाके रहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर है वो अपने बच्चे के साथ मतलब चिक के साथ में पूरा एक साल तक रहती है। द चिक लर्न मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। और जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से अपने मदर से अच्छे अच्छे हैबिट्स सीखते हो, अच्छी आदतें सीखते हो, ऐसे ही ये बच्चे भी अपने मदर से अच्छी आदतें सीख रहे हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ऑफ अवर्स डॉक्टर सलीम अली। यहाँ पर उनका फोटो दिया है, ये है डॉक्टर सलीम अली। तो इन्हें क्या कह रहे हैं वो अपना फ्रेंड कह रहे हैं। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ अवर कंट्री बट द हॉनर्स वेंट टू अवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पीकॉक। तो इनका क्या कहना था, जो सलीम अली है इनका कहना था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इतना इम्प्रेसिव बर्ड है उसे क्या होना चाहिए, अपने स्टेट का मतलब अपने जो कंट्री का, यहाँ पर कंट्री दिया है, अपने कंट्री का मतलब अपने इंडिया का नेशनल बर्ड होना चाहिए। लेकिन ये हॉनर किसे मिला है, पीकॉक को। तो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, यस पीकॉक है। और इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी उसे देना चाहिए ऐसे इन्हें लग रहा था, बट ऐसा नहीं है, पीकॉक अपना नेशनल बर्ड है। सो आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। लेकिन ये मे बी दिस इज नॉट अवर नेशनल बर्ड, लेकिन ये कहाँ का स्टेट बर्ड है, तो राजस्थान का ये स्टेट बर्ड कहलाता है। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर अवर प्रोटेक्शंस बट सैडली अवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। अभी देखो क्या हो रहा है, दूसरे जो बर्ड्स होते हैं वो एक साथ में 2, 3, 4 ऐसे अंडे देते हैं और उसमें से फिर उतने बच्चे निकलते हैं, लेकिन इंडियन बस्टर्ड का ऐसे नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये एक साल में एक ही बार अंडा देता है और एक ही देता है, इसीलिए इसका जो नंबर्स है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, वो ज़्यादा नहीं है, उसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि हमारा क्या हो गया है, नंबर स्टिल गोइंग डाउन, नीचे नीचे हमारे पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। तो पहले तो ये क्या थे, इंडिया के सब पार्ट में दिखाई देते थे, लेकिन अब सब जगह पर आप देखोगे तो जितने भी जगह पर जो जंगल थे या हिल्स थे तो ये सब तोड़कर क्या बनाए गए हैं, रहने के लिए रेसिडेंटल हाउसेस बनाए गए हैं, मतलब घर बनाए गए हैं, बिल्डिंग बनाए गए हैं, फैक्ट्री बनाए हैं, इसीलिए इनको रहने के लिए अब बहुत सी कम जगह रह गई है। वी आर अफ्रेड ऑफ यू हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। तो जो हंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, मजा करने के लिए, मतलब हंटर लोगों को हंटिंग करना अच्छा लगता है, जो शिकारी है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जाकर इनका हंटिंग भी कर लेते हैं, तो इसीलिए उन्हें उनका डर लग रहा है। एंड वी ऑल्सो डाई ड्यू टू
इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। और आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक लाइट होते हैं उसके पूरे ऐसे वायर्स ऊपर से जाते हैं और ऐसे वायर्स के ऊपर पिजन्स भी जो होते हैं वो भी अटक कर कभी कभी हम देखते हैं कि वो पिजन वहां पर मर जाते हैं। तो ऐसे ही जब ये फ्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो रहे हैं वहां पर अटक कर वो भी मर जाते हैं और इसीलिए उन्हें बहुत ही अभी क्या हो गया है हर चीज के बारे में उन्हें डर लग रहा है। वी आर लूजिंग अवर होम्स टूडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या कह रहे हैं मतलब जब ये लेसन के बारे में लिखा है तब वो कह रहे हैं कि हम कितने बचे हैं सिर्फ 200। देखो इतने से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है बचे हैं तो हमें क्या करना होगा हमें इन्हें बचाना है। तो हमें अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहीं पर भी दिखे आप कहीं जंगल में जाओगे या आप कहीं भी गांव की जगह पर जाओगे ऐसे बर्ड दिखते हैं तो हमें उन्हें हार्म नहीं करना है उल्टा हमें उसका प्रोटेक्शन करना है। वी नीड्स योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। देखो वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें आप लोगों का जरूरत है सपोर्ट चाहिए सो कैन यू हेल्प अस। और वो पूछ रहा है कि आप लोग हमारी मदद करोगे तो यस वी विल हेल्प देम। आप लोग भी उसे हेल्प करोगे जब भी ये कहीं पर दिखे गांव में झाड़ियों में तो आप लोगों को उसे पत्थर नहीं मारने हैं या कुछ लकड़ियों से मारना नहीं है उसे हमें अच्छे से रखना है खाना देना है। तो कैन यू सो यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। तो कह रहे हैं कि अपने लीडर्स को हमें क्या करना है लेटर लिखना है और बताना है कि हमें हेल्प करे हाँ ये इंडियन बस्टर्ड को हेल्प करे। यू कैन मेक माई ड्रॉइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। और आप लोगों को मेरे बारे में अपने टीचर्स के साथ में पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करना है। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब जो जू होता है जहाँ पे एनिमल्स होते हैं वहाँ पर जाओ और क्या करो आप मुझे देखो। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। तो ये सिर्फ अभी कहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं सेंचुरीज में उन्हें बाहर ज़्यादा दिखा नहीं जाता है क्योंकि वो सिर्फ 200 अवेलेबल है इसीलिए उन्हें सेंचुरीज में रखा गया है। एंड हु नोज इट इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। और वो कह रहे हैं देखो कितना बुरा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग मुझे हेल्प नहीं करोगे ह्यूमन मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा शायद से हम अर्थ के ऊपर बचेंगे ही नहीं मतलब जो 200 बचे हैं वो भी सारे मर जाएंगे। सो यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। और तुम लोग मुझे सिर्फ क्या देखोगे कहाँ पर देखोगे पिक्चर्स में देखोगे। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी दी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने। तो इस लेसन रीड करने के बाद सच में ऐसे लग रहा है कि हमें इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ये लेसन किसने लिखा हुआ है डॉक्टर प्रमोद पाटिल। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में शायद से आप लोगों को ये पता नहीं था। तो हमें बहुत अच्छा एक नए बर्ड की जानकारी यहाँ पर मिली है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी और उसके वीडियोज़ भी आप लोगों को मैं दूंगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है मेरे चैनल के साथ में बने रहना है स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। इसीलिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना मत भूलो और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू।